तो जय हिंद साथियों, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस पौरी में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम क्लास नाइन्थ गति के जो महत्वपूर्ण आंकड़े प्रश्न हैं उनको करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, आप एक बार फिर से करा दीजिएगा, तो आपकी डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो बस आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मुझे नए नए वीडियोज़ बनाने का और भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम सेशन। चौथा सवाल बोला गया कि कोई कार एक समान त्वरित रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, ज्ञात करें त्वरण और उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए जो आपको दिया है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी क्या दे रखा हो आपको, अगर दे रखा हो आपको किलोमीटर और प्रति क्या दे रखा हो, घंटा, ठीक है, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो, अगर आपको इसको बदलना हो किसमें, मीटर और प्रति सेकंड में, ठीक है, कहने का मतलब जब बड़े से आप छोटे में जाओगे तो बस आपको कुछ नहीं करना है, गुणा करना होता है 5/18 से। समझ में आ गया, क्यों करते हैं आप जानते हो, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000, 1000 होते हैं, बोलोगे जी, घंटा भी, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड होते हैं, 60 × 60, तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, और 2 5 10 और 2 3 6, तो 3 6 18 कितना आ गया, 5/18। समझ में आ गया आप, कितना, 5/18, 3 6 कितने हो गए, 18, तभी 5/18 से हम क्या कर देते हैं, गुणा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार और क्या होता है, अगर आपको क्या करना हो, अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड को किस में बदलना हो, बदलना हो आपको किलोमीटर प्रति घंटा, किस में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा, तब आप क्या करो, उल्टा कर दोगे, यानी 18/5 से कर दोगे गुणा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो, जब आप बड़े से छोटे में जाएंगे तो ऊपर छोटा वाला लेंगे और छोटे से बड़े में जाएंगे तो ऊपर बड़ा वाला ले लेंगे। समझ में आया, चलिए अब हम चौथा सवाल करेंगे। तो जो आपको दिया है वो लिख लो, दिया है क्या दे रखा है आपको, समय, समय दे रखा था, ठीक है, जो समय क्या होता है आपका टी, वो दे रखा है आपको 5 सेकेंड, ये दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग को बोलते हैं हम लोग यू, ठीक है, तो प्रारंभिक वेग क्या होता है आपका यू, वो दे रखा है आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति हावर, इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो 18 किलोमीटर में जा रहे हैं कहाँ पे, मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से करेंगे गुणा, तो 5/18, तो 18 × 18 कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आपको प्रारंभिक वेग आ गया, इसके बाद आपको दे रखा है क्या, अंतिम वेग, क्या दे रखा है, अंतिम वेग दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, तो अंतिम वेग क्या दे रखा है, अंतिम वेग बी है आपका, कितना है दे रखा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो बी हो जाएगा आपका 36, ठीक है, गुणा 5/18 × 36, तो बी बराबर आ जाएगा 2 5 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया। सारी चीज़ें आपको पता हैं, प्रारंभिक वेग पता है और अंतिम वेग पता है, ठीक है ना, चलिए ये भी आपको पता है और समय भी पता है। आपसे पूछा क्या गया है, त्वरण, क्या पूछा गया है, त्वरण, तो त्वरण आप लोग कैसे निकालोगे, ठीक है, सवाल जो है आसान है, और त्वरण क्या होता है आपका, ये आपको निकालना है, क्या लगा, कौन सा समीकरण लगाने वाले हो, लगाओगे गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है, त्वरण निकालने के क्या करो, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, बी बराबर होता है यू प्लस ए टी, हमें त्वरण निकालना है, तो इधर प्लस का इधर क्या कुछ माइनस का, बी माइनस यू बराबर ए टी, या क्या हो जाएगा आपका, ए टी बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा, बी माइनस यू, हमने बदल दिया, ठीक है, यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी माइनस यू और / टी,
तो ए बराबर हो जाएगा बी आपका कितना है 10, यू कितना है आपका 5, और बटे टी कितना है आपका 5। तो यहाँ हो जाएगा 5/5, 5 एकम 5, तो ए बराबर आपका आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, हमने लगा दिया आपका ये पहला, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है दूसरे में, दूसरे को ध्यान से देखोगे, उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, कितने, उतने ही समय में। तो उतने ही समय का मतलब जो समय क्या है, फिर भी आपका क्या है टी, कितना है आपका 5 सेकेंड, ठीक है, उतने समय में तय की गई दूरी, ठीक है। लिखोगे क्या लिखने वाले हो, 5 सेकेंड में तय की गई दूरी, क्या हो जाएगी, यस, ये हमें क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। कौन सा लगाओगे, गति के द्वितीय समीकरण से, ये बात आप जरूर लिखोगे, ठीक है, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, यस बराबर होता है UT+ ½ AT² तो यस, यू आपका दे रखा है कितना 5, और समय भी कितना है 5+1/2, ए कितना है आपका 1, टी कितना है 5×5, तो यस बराबर हो जाएगा 25+5/2। जब आप इसको काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो यस बराबर आ जाएगा 25+12.5, तो यस बराबर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 37.5 मीटर, ठीक है। तो उतने ही समय में कितनी दूरी तय करने वाली है, तो 37.5 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, सवाल जो है आपका महत्वपूर्ण था और पेपर में आने वाला सवाल है ये, ठीक है। चलिए सवाल नंबर अब हम करेंगे 5वां, 5वां भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेती है, उतने समय में तय की गई दूरी प्रकलित की करें, तो आपको क्या बताना है, उतने समय में आपको दूरी बतानी है। चलिए तो जो जो चीज़ आपको दी है तो वो लिख लेंगे, किताब तो आपके पास है ही, 5 दिया है, क्योंकि इस तरह से आप सवाल करोगे तो आपकी एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको त्वरण दे रखा है कितना, ए, वो दे रखा है आपको 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मंदन हो रहा है, ठीक है, तभी माइनस लिया है। और जो आपका क्या है, समय, समय टी है वो है आपका 2 सेकेंड, ठीक है। बड़ा मज़ा आ रहा है सवाल लगाते हुए, आप लोग भी अच्छे से कर पाओगे। और अंतिम वेग क्या हो जाएगा आपका, अंतिम वेग बी हो जाएगा आपका 0। और माना, मान लिया हमने कार का जो क्या है प्रारंभिक वेग, वेग क्या है वो हमने मान लिया क्या है यू, यू बराबर क्यू, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब इनका ये है कि ये आपकी जो है गाड़ी कोई है वो इस तरह से चल रही है और ब्रेक लगाते हैं तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो कार जब लगाए, कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेती है, जब रुकेगी ये यहाँ से यहाँ पे आ गई तो बी क्या हो जाएगा 0, जब अंतिम वेग क्या हो जाएगा रुक जाएगी 0, तो हमने अंतिम वेग इसीलिए क्या ले लिया 0। आगे हमें जो निकालना है, सबसे पहले आपको क्या पता है, ए पता है, टी पता है, लेकिन हमें जो है क्या नहीं पता है, प्रारंभिक वेग यू नहीं पता है, वहाँ से हम निकाल लेंगे यू, ठीक है। तो किससे निकालेंगे, हम निकालने वाले हैं गति के प्रथम समीकरण से, क्या होता है बी बराबर होता है यू और प्लस ए टी, सभी मान रखेंगे, बी का मान 0 है, यू और माइनस क्या हो जाएगा 6, और गुना टी कितना है आपका 2,
है कि नहीं, क्योंकि त्रुणा आपका काय में है, अभी हमने बता दिया है माइनस में है, इसीलिए हो गया। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस 12। तो यहाँ से जो यू बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। सर यहाँ पे मैं समझ में नहीं आया, देखो समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि बस आप लोग अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। तो बी क्या हो जाएगा, ये यू माइनस 12, या आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो यू माइनस 12 बराबर 0, और यू बराबर लिख सकते हो आप 12। तो आ गया आपका 12 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इतना समझ में आ गया। आपको बतानी क्या है, तो आपको दोस्त बतानी है क्या, दूरी। तो दूरी क्या होता है, यस ये हमें बताना है। चलिए तो दूरी के लिए आप कौन सा समीकरण लगाओगे, तो आप लगाने वाले हो गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, तो आप सब जानते हो यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस यू आपका कितना है 12, समय कितना है, समय कितना है, तो वो आप सब जानते हो 2 है, प्लस 1/2। ये कितना है आपका माइनस के कितना 6, कितना है माइनस के 6, और टी कितना है आपका 2 × 2, यानी टी का स्क्वायर हो गया। तब यस बराबर हो जाएगा 12 × 2 = 24, और प्लस क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6, और 3 × 6 = 12, काय के हो जाएंगे आपके माइनस के 12। तब यस बराबर 24 − 12, तो यस बराबर आ जाएगा आपका 12 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, सवाल बहुत ही ज़रूरी था और आपको आना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए तो आप क्या समझ पा रहे होंगे, तो लिखोगे अतः कार रुकने से पहले कितनी दूरी, 12 मीटर की दूरी तय करेगी। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आप, मैं ये आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।